तो भाई अगर आप एक स्टाइलिश लैपटॉप सर्च आउट कर रहे हो इन 2021 में तो यार ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। यार वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ड्रॉपिन ऑस्टा, वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पर। अगर चैनल पर नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड इंस्टाग्राम पर करो फॉलो। यार लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। प्लस भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टाइलिश लैपटॉप के साथ साथ जो भी मैं आपको लैपटॉप बताने लगा हूँ वो पूरे लोडेड होने वाले हैं। उस पर आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकोगे, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना आप कर सकोगे, प्लस अगर आपने गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, तब भी आप उस पर कर सकोगे। स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अगर आपका बजट 70,000 है, 70,000 से लेके 4,00,000 के बजट तक हम जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखना है। 70,000 के बजट रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई 70,000 के बजट रेंज में मैंने रखा है HP Pavilion। तो भाई चार बंदों के सामने अगर इस लैपटॉप को अगर आप लेकर जाओगे तो बंदा पूछने वाला है कि लैपटॉप कौन सा है कौन सा नहीं है। ये गेमिंग डिजाइन में आता है, इसका कलर वगैरह बहुत प्यारा है, कीबोर्ड का टच वगैरह बहुत प्यारा देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्लस आपको 144 रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ये पूरा लोडेड लैपटॉप आपको मिल जाता है, जिस पे आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। 4K में ट्राई करना है तो भाई आप कर सकते हो, गेमिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम करनी है आप कर सकते हो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है आप कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो आप भी इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, नॉर्मली एंड इजीली जा सकते हो भाई। उसके साथ साथ अगर आप आर्किटेक्चर हो, प्लस भाई अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, एनिमेशन करते हो, 3D एनिमेशन करते हो, कार्टून ड्रॉ करते हो, मतलब कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको पता चल ही जाएगा यार। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, उनको 15.6 इंच IPS डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो यार 144 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है, मतलब अगर आप हाई ग्राफिक पे गेमिंग करोगे ना तब आपका एक्सपीरियंस मतलब बहुत सही होने वाला है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ उनको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो 32GB तक, प्लस आपको 1TB HDD देखने को मिलती है, प्लस 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको NVIDIA GeForce GTX 16504GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ विंडो 10 मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ आपको 7-8 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ ये लैपटॉप आपको 65,000 से लेके 70,000 के बजट तक देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए HP Pavilion के। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ इसके मॉडल वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं, मतलब किसी में आपको i5 मिल जाएगा, किसी में आपको i7 मिल जाएगा, किसी में आपको 8GB रैम मिल जाएगी, किसी में आपको मतलब ग्राफिक कार्ड जो वो 1650 मिल जाएगा, किसी में आपको 1650 Ti देखने को मिल जाएगा। तो भाई आप चेकआउट कर लेना, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके और जा सकते हो, लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने चेकआउट करना है भाई आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ। या नंबर फोर पर मैंने रखा सूस रॉक जैब्रस G14। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो यार ये लैपटॉप भी आपको एक स्टाइलिश लैपटॉप देखने को मिल जाता है। प्लस भाई आपको एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, डुअल फैन मिल जाती है, प्लस इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं। कलर तो प्यारे आपको मिल ही जाते हैं, उसके साथ साथ आपको लाइटिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि आप बैक साइड में कस्टमाइज कर सकते हो। भाई आपको 120 रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी ये लैपटॉप पूरा लोडेड मिल जाता है। तो ये लैपटॉप जो है वो स्टार्ट हो जाता है 90,000 से लेकर इसका प्राइस आपको 1,40,000 के बजट तक भी देखने को मिल सकता है। तो भाई अगर आपका इतना बजट है, आपने जाना है सूस रॉक जैब्रस G14 की ओर, आप जा सकते हो। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये लैपटॉप है। बहुत लोगों ने परचेज किया, बहुत लोगों ने पसंद किया। प्लस भाई अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकती है। इसमें आपको GTX 1650 भी मिल जाता है, GTX 1650 Ti भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ भी अगर आपने RTX 2060 की ओर जाना आप उसमें भी जा सकते हो। मतलब आपको स्पेसिफिकेशन बहुत देखने को मिलेंगे, आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा। जो भी आप लेना चाहते हो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगता है आप उसकी ओर जा सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को AMD Ryzen 5 देखने को मिलता है 4600HS के साथ। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA GeForce RTX 16504GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बातों को 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ ये लैपटॉप आपको 90,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सूस रॉक जैब्रस G14 के। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। या नंबर थ्री पर मैंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो यार ये लैपटॉप एक आपको स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है।
2-in-1 लैपटॉप है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिल जाती है। अगर आप एनिमेशन करते हो, कार्टून ड्रॉ करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकती है। प्लस ये टच स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ, इसमें आपको i5 भी मिल जाएगा, i7 भी देखने को मिल जाएगा। रैम की बात करूँ, 16GB रैम भी मिल जाएगी, प्लस आपको 32GB रैम भी देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको 1650 Ti भी मिल जाएगा, आपको 1660 Ti भी देखने को मिल जाएगा। SSD भी मिल जाएगी, आपको 256GB से स्टार्ट हो जाती है। 1TB या अगर 1TB के अपर भी आपने जाना है तब आप उसकी और भी जा सकते हो। आपको स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ साथ इसके कलर जो आते हैं ना वो बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर आप एज अ क्रिएटर काम करते हो, डिज़ाइनर काम करते हो, डेवलपर काम करते हो, प्लस आप अगर आप सोशल क्रिएटर्स हो ना, तब आपके लिए बेस्ट डील हो सकते हैं। प्लस भाई अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है तब आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकती है। तो भाई अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए आप जा सकते हो। उसके साथ साथ भाई अगर आप क्रिएटर हो, डेवलपर हो, तब आपके लिए ये लैपटॉप सच में बहुत ज़्यादा सही है। इसके कलर मुझे बहुत पसंद है भाई, आपको भी मतलब मुझे पता है अगर आप मेरी अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तब आपको ये लैपटॉप जो है वो पसंद ही आने वाला है यार। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बात हूँ, 13.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि टच डिस्प्ले है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको 13 इंच भी मिल जाएगी, आपको 15 इंच भी मिल जाएगी, मतलब जितना पैसा पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी 10th जनरेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB रैम मिल जाती है, 32GB तक भी आप ले सकते हो, 16GB अगर आपने लेना वो भी आप ले सकते हो। प्लस आपको 128GB SSD भी मिल जाएगी, 256GB मिल जाएगी, 1TB तक भी आप ले सकते हो। ग्राफिक कार्ड इंटेल एरिस प्लस भी देखने को मिल जाएगा, 1650 भी मिल जाएगा, 1650 Ti भी देखने को मिल जाएगा। मतलब जितना पे करी जाओगे यार आपको स्पेसिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग मिलते जाएंगे। इसके मॉडल वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं, जो भी आप लेना चाहते हो, पसंद करते हैं आपके, मतलब आपके काम के अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। जो भी आप लोगे आपको वो देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप। प्राइस की बात करूँ, ये 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, एंड इसका प्राइस तो यार आपको 1,20,000-30,000 ऐसे भी देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 के। तो यार ये लैपटॉप भी सच में बहुत प्यारा है, ठीक है। अगर आपने इसकी ओर जाना है आप जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, या नंबर टू पर मैंने रखी है एप्पल मैकबुक। चाहे आपने 13 की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने 16 की ओर जाना आप जा सकते हो। ये दोनों मतलब मैकबुक जो है ना आपको एक प्रीमियम टच देने वाले। अगर आपने ऑफिस वर्क के लिए लेना है, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप टीचर्स हो, मतलब कोई भी आप एज अ क्रिएटर काम करते हो, एज अ डेवलपर काम करते हो, तो एप्पल मैकबुक आपके लिए परफेक्ट डील हो सकते हैं। बट मैं आपको एक इतना कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपने एप्पल मैकबुक 13 की ओर जाना है तो आपने 16GB रैम की ओर जाना है, आपने 8GB रैम की ओर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। वो M1 चिपसेट के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है एप्पल की ओर से आता है, बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है भाई। अगर आपने मतलब दोनों में से कोई भी ले सकते हो, स्टार्ट हो जाती है 1,50,000 से वो स्टार्ट हो जाती है एप्पल मैकबुक 13। अगर आपने एप्पल मैकबुक प्रो की ओर जाना है तो वो तो आपको 2,00,000 से स्टार्ट हो ही जाती है। तो भाई अगर आपने जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने सिर्फ चैगुड़ करनी है चैगुड़ भी कर सकते हो। ये लैपटॉप दोनों इस बजट रेंज में या इस टॉपिंग में ना रखूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभी बात करते हैं इन दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार एप्पल मैकबुक प्रो की बात करूँ, पहले डिस्प्ले की बात करूँ, 13 इंच रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS टेक्नोलॉजी डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i5 10th जनरेशन के साथ मिलती है। स्टोरेज की बात करूँ, 16GB रैम मिल जाती है, प्लस 1TB SSD देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपने 8TB तक भी जाना है SSD में आप जा सकते हो। प्लस अगर आपने 64GB रैम तक भी जाना है इस लैपटॉप में आपको वो भी मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, macOS मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ, आपको 7-8 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 2,00,000 के बजट तक देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है एप्पल मैकबुक प्रो की। अगर आपने इसकी ओर जाना है आप जा सकते हो। अगर आप एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, उसके बाद अगर आप एनिमेशन, 3D एनिमेशन, कार्टून ड्रॉ करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, आर्किटेक्चर हो, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकती है एप्पल मैकबुक प्रो। जिसकी ओर भी आप जाना चाहते हो भाई आप जा सकते हो। स्पेसिफिकेशन देख लेना, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठेंगे आप देख सकते हो भाई। अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है मैं आपको कहना चाहता हूँ 16GB रैम की ओर जाना, 8GB की और बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। आपके लॉन्ग टाइम पीरियड वो काम नहीं आने वाली। 16GB रैम मिनिमम तो होनी ही चाहिए भाई अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, या नंबर वन पर मैंने रखा है डेल एलियन वेयर। तो यार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है लैपटॉप है ना वो है डेल एलियन वेयर, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर्स हैं, जो RGB लाइटिंग के साथ देखने को मिलता है वो बहुत प्यारा है भाई। मुझे पता है भाई अगर आप मेरी अभी तक वीडियो देख रहे हो ना
आपको भी ये लैपटॉप बहुत पसंद आने वाला है। प्लस बैक साइड में जो एलियन का लोगो आता है उसमें भी आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है, वो बहुत प्यारी लगती है यार। अगर मेरा बजट 2 लाख होगा, अगर मुझे कोई लैपटॉप चाहिए होता तो भाई मैं जाता डेल एलियन वेयर की ओर, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है या इसके जो स्पेसिफिकेशन है आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। आपको स्पेसिफिकेशन की बात बता देता हूँ, आपको पता चल ही जाएगा यार। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एंटी ग्लेयर आई प्लस डिस्प्ले जो कि 300 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i7 देखने को मिल जाता है 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूँ आपको 16GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो। प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको NVIDIA GeForce RTX 2060 मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है, MS Office मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ आपको 12 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप। प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस आपको 2 लाख से स्टार्ट हो जाता है एंड इसका प्राइस इंक्रीज होता रहता है। जैसे ही मतलब आप स्पेसिफिकेशन लोगे उसके अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया डेल एलियन वेयर की। प्लस भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने इस प्राइस रेंज में रेजर ब्लेड को नहीं रखा। तो भाई अगर आपने रेजर ब्लेड की ओर जाना है आप उसकी ओर भी जा सकते हो, वो भी लैपटॉप आपको पूरा लोडेड मिल जाता है। बट इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए डिज़ाइन या लुक वाइज जो स्टाइलिश लगता है वो सच में एलियन वेयर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यार अभी मेरी वीडियो यार यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि मेरे चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो यार। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे यार। थैंक यू।